की घटना सामने आती है और इसमें 23 सेना के जवान भी लापता हो गए हैं। नॉर्थ सिक्किम में लुहान झील के ऊपर बादल फटते हैं, लाचेन घाटी में तिस्ता नदी में बाढ़ आ जाती है, इसकी वजह से सेना के कैंप इसकी चपेट में आ गए हैं और कई गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। 23 सेना के जवान हैं जो लापता हैं, उनकी खोज जारी है। ये बहाव भी आप देख सकते हैं, ये स्थिति आप देखिए किस तरीके से आपको दूर दूर तक ये मलबा दिखाई देगा और पानी का बहाव बहुत तेज है तिस्ता नदी में। और ऐसे में बादल फटने की घटना के बाद जो कैंप है वो भी इसकी चपेट में आए, जिसके चलते 23 जवान हैं जिनकी अभी खोज की जा रही है, जो लापता हैं नॉर्थ सिक्किम में लुहान झील के ऊपर। ये बादल फटते हैं, लाचेन घाटी है, तिस्ता नदी, जहां बाढ़ जैसे हालात बन गए और इसके बाद कुछ सेना के एस्टेब्लिशमेंट इसकी चपेट में आए हैं, कई गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। 23 सेना के जवान हैं जो कि लापता हैं, उनकी खोज जारी है। संदीप बोला हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए जुड़ गए हैं। संदीप, कोई जानकारी मिली उन जवानों को लेकर? देखिए, ये घटना जो है रात को तकरीबन 1 बजे के आसपास हुई है, उसके बाद से लगातार जो मिसिंग जवान हैं उनको ढूंढा जा रहा है। तकरीबन 3 ऐसे जवान हैं, आर्मी पर्सनल्स हैं जो कि मिसिंग हैं, और ये बादल फटने की वजह से नॉर्थ सिक्किम में जो फ्लैश फ्लड आया उसमें ये सब चपेट में आए हैं। खास बात यह है कि जो भी तिस्ता नदी के आसपास जितने भी जगह ऐसी है जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है इंडियन आर्मी के, वो इनकी चपेट में आ गए हैं और तकरीबन 15 से 20 फीट पानी जो है वो डैम से छोड़ा गया ऊपर, और जिस तरीके से बादल फटा और उसकी वजह से सडनली रात में ये फ्लैश फ्लड आया जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि जो 23 लोग हैं उनकी अभी स्थिति क्या है, उनकी जांच है, उनको जो है अभी खोजबीन चल रही है, उनको ढूंढा जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लॉन्च किया गया, लेकिन चारों तरफ पानी इस वक्त भरा हुआ है, तो इसीलिए बड़ी बड़ी सावधानी से आर्मी पर्सनल्स इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। 23 लोग अभी फिलहाल मिसिंग है आर्मी के। ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास में संदीप। ये एक्सक्लूसिव विजुअल आप देख रहे हैं और नदी के तेज बहाव से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके स्थिति पैदा हो गई होगी। और जैसी जानकारी संदीप दे रहे हैं कि रात के करीब 1 बजे ये पूरी घटना होती है, बादल फटता है, डैम के गेट खोल दिए जाते हैं, और क्योंकि रात का समय सभी सो रहे थे, नींद में थे, ऐसे में कुछ भी समझ पाना बहुत मुश्किल। और सेना के जो कैंप है इसकी चपेट में आते हैं। संदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। संदीप, सेना की ओर से कोई जानकारी दी गई किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सेना के उन जवानों को भी खोजा जाए और आसपास कुछ और लोगों उनको भी वहां से हटा दिया जाए, बाकी कैंप्स को वहां से हटाया जाए? देखिए, जो भी नॉर्थ सिक्किम की बात करें, जितने भी ऐसे एस्टेब्लिशमेंट है वो रिवर साइड पे ही एस्टेब्लिशमेंट है क्योंकि बाकी सब जगह हिल्स है, तो ऐसे में जिस भी जगह पर इस तरीके की चपेट में आए हैं क्योंकि वो रात के टाइम ये इंसिडेंट हुआ है, तो ऐसे में रात को साथ के साथ ऑपरेशन लॉन्च करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन जैसी सुबह हुई और ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो उसमें पता लगा कि 23 आर्मी पर्सनल अभी मिसिंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक जब बादल फटा तो लाचेन घाटी की जो तिस्ता नदी जो कि वहां की इंपॉर्टेंट रिवर है उसमें ये बाढ़ आई और जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ है, कई गाड़ियां जो है वो बह गई हैं पानी में, वो डूब चुकी हैं कई गाड़ियां। कोशिश की जा रही है क्योंकि बहाव बहुत तेज है नदी का, तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि जो सेना के जो जवान है, जो मिसिंग आर्मी पर्सनल है, वो कहीं पानी के